चलो प्रैक्टिस है 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 सर्कल का चैप्टर है और इसके अंदर है ना मैं तुम लोग को प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल भी बता दूंगा तो ये सम के अंदर उसका काम आएगा और रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम तो तुम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सीखे ले। इन फिगर सेगमेंट आर एस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ पॉइंट टी लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल तुम लोग देख रहे टी किधर है लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल प्रूव दैट ये जो आर टी एस क्या बनेगा एक्यूट एंगल तो मेरे को ये क्वेश्चन ज्वाइन करना पड़ेगा फिलहाल ये सम स्टार्ट करने के पहले मैं तुम लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बता रहा हूँ तो वो तुम लोग सीख लो चलो तो अभी ये देखो तुम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल देखो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल किसे बोलते हैं तुम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में ट्राइंगल का चैप्टर पढ़े सबको मालूम है तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या डिटरमाइन करता है ट्राइंगल मालूम है ना ये ट्राइंगल है एक दो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट ट्राइंगल है तीन साइड मिलके क्या बनता है ट्राइंगल ये है ट्राइंगल ए बी सी ओके अगर मैंने ये लाइन एक्सटेंड कर दिया तो इसके अंदर ये जो ए सी डी है कौन है एक्सटीरियर एंगल मैं बता रहा हूं एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ए सी डी कौन है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये ए सी डी है लेकिन ए सी बी के बाजू में जो एंगल है ये दोनों एंगल को प्लस करूंगा तो 180 डिग्री बनेगा वो है लीनियर पैर एंगल ए सी बी प्लस ए सी डी लीनियर पैर एंगल लेकिन अगर ये ट्राइंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो ये एंगल और ये एंगल एंगल ए और एंगल बी ये लोग है रिमोट इंटीरियर एंगल कौन है रिमोट इंटीरियर एंगल एंगल ए एंड एंगल बी आर द रिमोट इंटीरियर एंगल रिमोट इंटीरियर एंगल और रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या बताती है तुम्हारे को रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या बताती है कि एंगल ए सी डी जो एक्सटीरियर एंगल है रिमोट इंटीरियर एंगल हम थ्योरम हमारे को क्या बताता है कि एवरी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इट्स यानी इसी का एक्सटीरियर एंगल का रिमोट इंटीरियर एंगल सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल यानी एंगल ए प्लस एंगल बी समझ है एंगल ए प्लस एंगल बी रीजन क्या लिखते रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम लेकिन ये सम के लिए मेरे को मेन आप लोग को बताने का मकसद क्या है प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल मैं तुम लोग क्या बताना चाह रहा हूं प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल लेकिन अभी मैंने तुम लोग को बताया एक्सटीरियर एंगल किसे बोलते हैं लिनियर पैर एंगल किसे बोलते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल किसे बोलते हैं और रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम से क्या मालूम पड़ता है कि एवरी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इट्स सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल अगर इधर एक्सटीरियर एंगल निकला तो उसका रिमोट इंटीरियर एंगल कौन रहेगा ये और ये समझे ना तो चलो ये बता दिया मैंने यानी इससे तुम लोग क्या सीख रहे अगर मैं इसकी वैल्यू है ना एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या आ रही है इन लोग दोनों को प्लस करेंगे वो आ रही है एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इन लोग दोनों को प्लस करेंगे वो आ रही है यानी इससे हम लोग क्या सीख रहे कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना इज ग्रेटर देन ये वाला रिमोट इंटीरियर एंगल से भी
और ये वाला रिमोट इंटीरियर एंगल से भी। लेकिन अगर मैं इन लोग दोनों को प्लस कर दूंगा तो उन लोग की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। लेकिन अगर मैं रिमोट इंटीरियर को प्लस में करूंगा तो कौन बढ़ा रहेगा, एंगल ए बढ़ा रहेगा कि एंगल ए सी डी बढ़ा रहेगा? एंगल ए सी डी, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल, यानी ए सी डी इज ग्रेटर देन एंगल ए और ए सी डी इज ग्रेटर देन एंगल बी। समझ आ गया? तो क्या मैंने बताया तुम लोग को, एन एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों प्लस करके मालूम पड़ता है ना, अगर मैं ये दोनों को जब प्लस करूंगा तो क्या बनता है, ए सी डी, एंगल ए की वैल्यू और एंगल बी की वैल्यू अगर मैं प्लस करूंगा तो क्या बनेगा, एंगल ए सी डी, यानी एंगल ए सी डी इज ग्रेटर देन एंगल ए, एंगल ए सी डी इज ग्रेटर देन एंगल बी। तो तुमने क्या सीखे, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ इट्स, हर एक्सटीरियर एंगल के कितने रिमोट इंटीरियर एंगल बनते हैं, दो, हर एक्सटीरियर एंगल के दो रिमोट इंटीरियर एंगल बनेंगे। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल, रिमोट इंटीरियर एंगल, यानी एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इज ग्रेटर देन एंगल ए, है ना, वही एंगल ए सी डी जो के कौन है ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन एंगल बी। और यही है तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, यही तुम्हारा क्या है, दिस इज नोन एज Properties of exterior angle of a triangle। समझ है? तो प्रैक्टिस सेट 3.4 का तुम लोग कभी भी सम करेंगे, उसी की वीडियो में मैंने तुम लोग को प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल का ये बेस बता रहा हूं, अच्छे से देखो और प्रैक्टिस करो, मैं मेरी वीडियो कंटिन्यू करो। तो देखो, इन फिगर सेगमेंट आर एस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ, आर एस तुम्हारे को मिल गया डायमीटर ऑफ द सेंटर विथ सर्कल ओ, यानी ये आर्क सेमी सर्कल और ये आर्क सेमी सर्कल। तुम लोग ने सर्कल के चैप्टर में सेमी सर्कल से रिलेटेड कुछ सीखे कि नहीं? हाँ भाई, कि सेमी सर्कल की वैल्यू कितनी रहती है, 180 डिग्री। सेमी सर्कल एक आर्क है, सेमी सर्कल क्या है, एक आर्क जिसकी वैल्यू क्या रहती है, 180 डिग्री। अगर सेमी सर्कल के ऊपर कहीं भी एंगल आ गया, कहीं भी इधर 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 कोई पॉइंट आ गया और उधर से मैंने एंगल बना दिया, वो एंगल की वैल्यू क्या रहेगी, 90 डिग्री। उसके लिए तुम लोग मेरी वीडियो देख लो, बेस वो कॉरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ओके, तो देखो, इन फिगर सेगमेंट आर एस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, पॉइंट टी लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, प्रूव दैट एंगल आर टी एस, आर टी एस यानी जोड़ना पड़ेगा, इट इज नॉट अ कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन में बोल दिए ना एंगल आर टी एस, क्वेश्चन में बोल दिए ना एंगल आर टी एस, तो आर टी एस को तुम्हारा क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो कंस्ट्रक्शन नहीं है। समझ में आ गया? अच्छा देखो, एक इधर पॉइंट इंटरसेक्ट करी, इधर पॉइंट इंटरसेक्ट करी, ये दो छोड़ दो, मैं इसके ऊपर ध्यान दो, इधर भी पकड़ेंगे तो भी चलेगा, तो इसको इधर जोड़ना पड़ेगा, फिलहाल इधर ही ध्यान दो क्योंकि आर टी एस फाइंड करने का ना। यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट दे दो, पी, क्या दे दो, पी। अभी ये आर पी एस कौन है, सेमी सर्कल आर्क, आर पी एस कौन है, सेमी सर्कल, यानी मेजर ऑफ सेमी सर्कल कितना रहता है, 180 डिग्री। मेजर ऑफ सेमी सर्कल क्या रहता है, 180 डिग्री। अगर मैंने इनकेस पी एस को ज्वाइन कर दिया तो एक एंगल बनता है आर पी एस, और आरपीएस की वैल्यू क्या रहेगी, 90 डिग्री। एंगल इसका बिना सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, एंगल इसका बिना सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। समझ है? तो तुम्हारे को क्या फाइंड करने का, आरटीएस। अच्छा, ये पॉइंट आर के ऊपर आ रही है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको जोड़ देता हूं क्योंकि यहां पे ऑब्ट्यूज एंगल लेकर आने का। हाँ, ये कंस्ट्रक्शन, ये क्या है, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ
सेगमेंट पी एस, ड्रॉ सेगमेंट पी एस, इतना हो गया. ओके, टू प्रूफ एंगल आर टी एस क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से कम. एंगल आर टी एस इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल यानी हिंट में ये पेपर में लिखना नहीं, मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, पेपर में लिखना नहीं, ये हिंट पेपर में नहीं लिखना नहीं. मैंने कोई भी वीडियो में अगर हिंट बनाया तो हिंट लिखना नहीं. आरटीएस एक्यूट एंगल होना चाहिए, यानी आरटीएस एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री से कम, यानी तुम्हारे को कैसे भी करके एंगल आरटीएस मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री लेकर आने का है. क्या लेकर आने का है, कि एंगल आरटीएस मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री. कितना समझ आ गया, तो शुरू करूं. चलो प्रूफ देखो, जो क्वेश्चन में डेटा दिए, जो भी क्वेश्चन में गिवन दिए, गिवन की मदद से सब सॉल्व होता है. उन लोग ने बोल दिए सर्कल के चैप्टर में अगर डायमीटर की बात हो रही है तो समझ जाना सेमी सर्कल भी आता है. अगर सेमी सर्कल आ गया तो एंगल इसका बिना सेमी सर्कल भी आता है. तो देखो मैंने एंगल बना दिया कंस्ट्रक्शन, है ना, मैंने पीएस बना दिया, तो ये आरपीएस बना दिए. तो प्रूफ सब में पहले ये लिखो, सेगमेंट आरएस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. उसको उधर भेज दो. सेगमेंट आर एस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल. सेगमेंट आर एस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल डॉट 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 गिवेन, डॉट 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 गिवेन. सेगमेंट आर एस अगर डायमीटर है और ये आर पी एस कौन है, सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल के ऊपर वो पी किधर भी हो, और जब मैं आर पी और पी एस को जोड़ दूंगा तो ये क्या रहेगा, 90 डिग्री. इसकी मैंने बेसिक बताया ना, तुम लोग वीडियो देख लेना, कॉरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. ओके, एंगल आर पी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री डॉट 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 एंगल इंस्क्राइब्ड, एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. तो राइट एंगल आया कि नहीं आया, आया ना 90 डिग्री. और ये कैसे 90 डिग्री आता है उसकी वीडियो मैंने बताया लो कॉरोलरीज में, तुम लोग देख लेना. एंगल इसका बिना सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, एंगल इसका बिना सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. इतना समझ में आ गया. चलो अब ये है ट्राइंगल, सॉरी तुम्हारे को किससे कंपेयर करने का है, 90 डिग्री से कंपेयर करने का है. ये जो आर टी एस, एंगल आर टी एस को किससे कंपेयर करने का, 90 से. तो तुम लोग ये वाला ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल, सॉरी ये वाला ट्राइंगल 90 से कंपेयर करने का ना, तो ये ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल पी टी एस, इन ट्राइंगल पी टी एस. तो देखो इन ट्राइंगल पी टी एस, तुम ट्राइंगल का नाम कुछ भी बोल सकते हैं, एस पी टी भी बोल सकते हैं, टी पी एस भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. इन ट्राइंगल पी टी एस, ये ट्राइंगल पी टी एस का एक्सटीरियर एंगल कौन है, आर पी एस. 90 से कंपेयर करो, मैंने हिंट में बताया ना आर पी एस, तो एंगल आर पी एस है ना, एंगल आर पी एस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल पी टी एस, करेक्ट. आर पी एस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ, आर पी एस कौन है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल पी टी एस. तो एक्सटीरियर एंगल को किससे कंपेयर करते हैं, उसके रिमोट इंटीरियर, एक है टी और एक है एस. यहां पे किससे कंपेयर करने बोले, बीच में देखो टी है ना, टी से ना. तो पी टी एस के अंदर, सॉरी आर पी एस एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईच ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल, यानी टी से भी और एस से भी. इसको मैं टी कैसे बोलूंगा, पी टी एस, क्योंकि ये ट्राइंगल की बात करें ना. तो देखो पहले आर टी एस एक्सटीरियर एंगल है, सॉरी आर पी एस एक्सटीरियर एंगल है, आर पी एस एक्सटीरियर एंगल क्या रहेगा, ग्रेटर देन, क्रोकोडाइल का मुंह इधर, इसको खाएगा, ये बड़ा है,
RPS is greater than, angle T भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा PTS, क्या बोलूँगा, ये triangle के हिसाब से PTS, PTS, समझ आ गया? तुम चाहो तो T लिख सकते, चलो T लिख दो, एक मिनट, wait, angle RPS, angle RPS is greater than angle T, is greater than angle T, और इन लोग के लिए reason क्या लिखेंगे? Properties of exterior angle of a triangle, याद नहीं रहता, confused है. Properties of an exterior angle of a triangle. Property of an exterior angle of a triangle क्या बोलता है? कि every exterior angle is greater than each of its remote interior angle. समझ आ गया? इतना समझ है? अच्छा, ये हो गया, इसके अंदर ये ग्रेटर की निशानी इधर चाहिए, तो तुम लोग क्या करेंगे, इसको इधर और इसको इधर, तो साइन भी मुड़ जाएगी. मैंने क्या करा, एंगल टी इधर लिखा और एंगल आरपीएस इधर लिखा, कौन बड़ा है, आरपीएस ना, तो आरपीएस की तरफ ऐसी निशान, समझ है, डेट इज करो, क्या लिखेंगे, डेट इज. अच्छा, एंगल टी को, एंगल टी को, डेट इज एंगल टी को, तुम लोग एंगल पीटीएस भी बोल सकते हैं और एंगल आरटीएस भी बोल सकते हैं. क्वेश्चन में पीटीएस बोलने में बोले कि आरटीएस, तो तुम लोग लिखेंगे टी की जगह पे एंगल आरटीएस. समझ आ गया? यू कैन राइट पीटीएस, लेकिन प्रूफ में क्या बोले, आरटीएस, वन एंड द सेम मीनिंग. आरटीएस इज ग्रेटर देन आरपीएस, आरपीएस की वैल्यू कितनी मिली, 90 डिग्री. इधर दे दो इक्वेशन नंबर वन, है ना, और यहां पे लिख के बता दो फ्रॉम वन, फ्रॉम वन, प्रूफ हो गया ना, है ना. अब ये मैंने हिंट वाला प्रूफ करा, आरटीएस इज लेस देन 90 डिग्री. अगर आरटीएस लेस देन 90 डिग्री है, यानी एंगल आरटीएस कौन है, एक्यूट एंगल, एंगल आरटीएस कौन है, एक्यूट एंगल, दैट इज एंगल आरटीएस इज एन अक्यूट एंगल. Hence proved. एक मिनट, मैंने एंगल टी को क्या लिखा, मैं एंगल टी को पीटीएस भी लिखता हूं और आरटीएस भी लिख सकता हूं, तो लिखने का क्या है, आरटीएस, तो इधर लिखिए बताओ, जहां पे तुमने एंगल टी को आरटीएस लिखे, डॉट डॉट डॉट, आर डैश पी डैश, आर डैश पी डैश टी, आर डैश पी डैश टी, ओके, सम फिनिश्ड. Very, very, very important question. Question can come for 3 marks.